हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस्टर मुनीम। आइए, आपको ये चिकन के लिए, बच्चों की पैदाइश के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें एक फ़ैन लगा होता है, एक हीटर लगा होता है जो 40 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करता है। और एग्स नीचे रख के एक बॉक्स बना के, बॉक्स के ऊपर लकड़ी का बॉक्स बनाए, उसमें कोई घास वगैरह डाल के अंडे उसमें अंदर रख के, तो इसकी टाइमिंग होती है कैसे इन बच्चों की पैदाइश की जाती है, चिकन के बच्चों की, तो मुर्गी के बच्चों की। तो अभी ये प्रॉब्लम कर रहा था, कुछ टेम्परेचर नहीं चा मेंटेन नहीं कर रहा था। तो अभी इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे इसका टेम्परेचर सिस्टम है थर्मोस्टेट, इसको ओपन करते हैं थर्मोस्टेट को, चेक करते हैं। फ़ैन तो चल रहा है अभी अभी, इसको मैं सीरीज में लगा रहा हूँ, सीरीज में लगा के चेक करता हूँ क्या ये आपको आवाज़ आ रही। फ़ैन तो चल रहा है पर हीट नहीं कर रहा। चलिए इसके एलिमेंट को देखते हैं, हो सकता है इसका एलिमेंट भी जल गया हो। फ़ैन चल रहा है, अभी आवाज़ आ रही है आपको। तो अभी इसको ओपन करते हैं, इसके थर्मोस्टेट को, या तो हीटर जल गया इसका, तो यहाँ इसमें और कोई प्रॉब्लम है थर्मोस्टेट की। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, अभी ओपन करके इसको दोबारा चेक करते हैं इसको। ये इसका थर्मोस्टेट है यहाँ पे, यहाँ से ओपन करते हैं। अभी इसकी वायर रिमूव करते हैं, तो इसको ओपन करते हैं। अभी इसको ओपन किया ना, ये इसका रॉड लगा हुआ है, हीटिंग रॉड। तो ये इसकी मोटर है, 220 मोटर तो ऑन हो रही है, फैन चल रहा है, हमारी जो पावर आ रही है तो वाइट आ रही है। हम पहले वाइट की रजिस्टर देखेंगे, हमारी है ये वाइट के ऊपर, इसकी पावर का मसला है, चेक करेंगे इसकी। ये खोल के देखना पड़ेगा इसका हीटर का, इसमें एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ है, तो देखते हैं अभी इसको क्या है। ये ऑन नहीं हो रहा था, तो अभी इसको पावर दे के दोबारा चेक करता हूँ। हो सकता है इसका फ्यूज भी उड़ सकता है, अभी इसके कार्ड ऑन होना है तो फिर हीटर नहीं वर्क करना है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर बताता है कितना टेम्परेचर हो गया इसका। चलिए इस कार्ड को ओपन करते हैं, पहले इसको सप्लाई देते हैं चेक करके कि इसका डिजिटल ऑन होता है नहीं होता, डिजिटल जो एलईडी है। इसको मैंने पावर दी है, कोई कार्ड ऑन नहीं हो रहा। चलिए इसके फ्यूज़ को ओपन करते हैं, चेक करते हैं फ्यूज़ इसका प्रॉब्लम तो नहीं कर गया, हो सकता है फ्यूज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए इसके फ्यूज़ को ओपन कर, अभी मैंने इसके फ्यूज़ को ओपन किया है, तो कंटिन्यूटी से चेक करते हैं इसको, हो सकता है फ्यूज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके ऊपर चेक करते हैं इसको, फ्यूज तो इसका सही है बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है, फ्यूज सही है, कोई और ही प्रॉब्लम है इसमें। इसकी बैक साइड पे कंटिन्यूटी
कंप्लीट कार्ड लगा हुआ है, मोस्ट बोर्ड भी लगा हुआ है इसका, मोस्ट बोर्ड टू टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है इसको। तो यहाँ पे पावर आती है, अभी इसको पावर देता हूँ दोबारा, देखते हैं फ्यूज़ के ऊपर आउट गोइंग पावर निकल रही है नहीं निकल रही। अभी इसको पावर देते हैं, सीरीज पे लगा के चेक करेंगे, लाइट की प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, वोल्टेज भी सेट करके इसको एसी में, यहाँ पर अपना फ्यूज लगा हुआ है, ये न्यूट्रल है इसकी, तो यहाँ पर पावर आनी चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, ये फ्यूज का है, फिर यहाँ पे आती है पावर, फिर यहाँ पे आती है पावर, फिर यहाँ पे आती है, फिर इधर जाती है, इस पर भी आ रही है, इस पर भी आ रही है। अजीज किस कार्ड को देखते हैं, इसकी ट्रैक की प्रॉब्लम हुई है, यहाँ से मैंने ट्रैक उतारा हुआ है ट्रांजिस्टर, तो ये इसको सप्लाई नहीं दे रहा था कि ट्रिगर नहीं कर रहा था, तो अभी इसको चेंज करते हैं फिर नया लगा के, तो इंशाल्लाह इसको ऑन करेंगे। ये मोस्ट बोर्ड यहाँ से उड़ा हुआ था इसका, अभी इसका ये पुराने वाला ट्रांजिस्टर है, अभी ये नया लगाएंगे, लगा के इसको चेक करते हैं, सेम नंबर है, यहाँ पे लगाएंगे इसको, अभी लगाते हैं इसको, क्या करता है ये, अभी इसको प्रॉपर लगा रहे हैं ये।